उदाहरण देना चाहूं, क्लब जी सामने हैं, हम अभी इन दिनों में चीन में एक संसदीय यात्रा थी, आपके आशीर्वाद से क्लब जी के नेतृत्व में गए। आजकल अध्यक्ष जी चीन में जनतंत्र जानने की बड़ी उत्सुकता बढ़ी है और इसलिए बहुत दिन बदले हैं। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पे आती थी, आजकल तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर भारत में आकर अभ्यास करना चाहती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इनमें तो कुछ बचा नहीं है, क्या फायदा इनसे संबंध रख के, जो नई पार्टी आने वाली है उससे ज्यादा संबंध रखो, तो उनका भी आपस का सारा बदला है। अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे, जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी, तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ग्रह की ओर हाथ कर दिया, मैंने कहा ये है वो सामने है, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनकी ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया, मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलप, ही इज द ओनली मेंबर ऑफ हिज पार्टी एंड ही इज द गवर्नमेंट।